प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में जुड़ चुके हैं आप अरुणेश कुमार के साथ और आज आपका जो टॉपिक है वो है रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। जी हां, रामधारी सिंह दिनकर जी ने आपके हिंदी गद्य के खंड में जो लिखा है वो लिखा है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय और कृतियां पढ़ेंगे। अगर आपको 5 में से 5 पूरे अंक लेना है तो जैसा मैं बता रहा हूं सेम वैसा जीवन परिचय आपको लिखना होगा। सबसे पहले आप यहां पर ये डालेंगे रामधारी सिंह दिनकर अपनी बुक अपनी उत्तर पुस्तिका में, फिर जीवन परिचय यहां पर डालेंगे और फिर अंडरलाइन कर देंगे और इसके बाद ये एक संक्षिप्त जीवन परिचय यहां पर आपको देना होगा और इस संक्षिप्त जीवन परिचय को संक्षिप्त परिचय यहां पर आपको देना होगा। संक्षिप्त परिचय को हम कहते हैं क्या, हम अपनी भाषा में कहते हैं फ्लो चार्ट या कि बोर्ड की भाषा में कहते हैं फ्लो चार्ट। आपको फ्लो चार्ट बना लेना है, शॉर्टकट में लेखक के परिचय को दे देना है, इसके बाद विधिवत विवरण स्वरूप आपको पूरा का पूरा जीवन परिचय लिखना है। इससे होगा क्या कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि आपका जो चीजें आपकी सही हैं और पूरा जीवन परिचय एग्जामिनर को ना पढ़ना पड़े उसके लिए आपको यहाँ फ्लो चार्ट बना देना है। जब फ्लो चार्ट आपका बना होगा तो जल्दी से जीवन परिचय आपका एग्जामिनर पढ़ेगा, अगर फ्लो चार्ट में चीजें सही हैं तो वो आपको पूरे के पूरे अंक प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो चलो यहां पर देखते हैं। सबसे पहले जन्म, अगर बात करते हैं जन्म की तो जो दिनकर जी का जन्म है वो 30 दिसंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। अब अगर आपको 30 दिसंबर याद नहीं हो रहा है तो इसे आप हटा सकते हैं, नो टेंशन, लेकिन याद कर लें तो ज्यादा बेहतर है। कितना, 30 दिसंबर 1908। मेरे साथ आप बने रहिए पूरे जीवन परिचय में, बहुत ज्यादा 10 मिनट का टाइम लगेगा लेकिन याद हो जाएगा, यह गारंटी हमारी है। जन्म स्थान लिखेंगे सिमरिया, सिमरिया बिहार, सिमरिया मुंगेर, ठीक है, सिमरिया मुंगेर जनपद में और बिहार प्रदेश में या बिहार राज्य में, सिमरिया मुंगेर में बिहार में इनका होता है जन्म। शिक्षा की बात करें तो बीए इनकी शिक्षा थी यानी ग्रेजुएशन थे, स्नातक पास थे। मृत्यु यहां पर लिख देंगे 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया था। अगर आप ना याद कर पाएं तो 1908 और 1974 याद कर लीजिए, ठीक है, यानी 66 वर्ष इनका जीवन काल रहा था। 66 + 74 होता है तो 66 वर्ष याद रखिए जन्म से लेकर के मृत्यु तक, तो आप इसका सही कर लेंगे जन्म और मृत्यु, ठीक है। लेखन विधा की अगर बात करें तो निबंध लिखे, संस्कृति ग्रंथ लिखे, संस्कृत ग्रंथ को लिखा, काव्य ग्रंथ लिखे, तमाम चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। और अगर भाषा की बात करें तो भाषा इनकी शुद्ध साहित्यिक संस्कृत निष्ठ प्रांजल प्रौढ़ तथा सुबोध खड़ी बोली है। शैली की बात करें तो शैली इनकी भावात्मक है, समीक्षात्मक है, सूक्ति परक है और विवेचनात्मक शैली है। विशेष महत्व तो शैली नहीं रखती, भाषा नहीं रखती, लेकिन विशेष महत्व तो इनका जीवन परिचय जरूर रखता है। तो पूरा का पूरा जीवन परिचय आपको आराम से याद कर लेना। तो ये आपको फ्लो चार्ट बनानी है। फ्लो चार्ट में देखो जन्म है, जन्म स्थान है, शिक्षा है, मृत्यु है, लेखन है, भाषा है और शैली है, ठीक है। अब यहां पर आप हेडिंग डालेंगे बहुत अच्छे से। कौन सी हेडिंग डालेंगे, यहां से हेडिंग डालेंगे आप जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, हाईलाइट करने की आवश्यकता आपको है नहीं, कॉपी में हाईलाइटर का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। क्या होता है कि कॉपी में हाईलाइटर का यूज करेंगे तो बैड इफेक्ट जाएगा और एग्जामिनर आपको नंबर काट भी सकता है अगर ये कलरफुल पेन यूज करते हैं, केवल ब्लू ब्लैक आपको यूज करना है। अब आप वही लिखना स्टार्ट करेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर का राष्ट्रकवि कहें, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो है 23 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर, बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। सेम वही हमने अभी ऊपर आपको बताया था, क्या बताया था,
1908। अच्छा, सिमरिया मुंगेर। बिल्कुल बिल्कुल, सभी के सही जवाब। अच्छा, एक बार शेयर कर दो भाई, एक बार शेयर कर दो आप सभी लोग, ठीक है। हाँ, शेयर कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और सब्सक्राइब कर लो। देखो, अगर टेलीग्राम आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। इसलिए पूरे पूरा का जो पूरा है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेज आपको डालना है। क्या डालना है? ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेज आपको डालना है। जैसे ही आप डालेंगे तो आपको जो पहला टेलीग्राम चैनल मिलेगा कोचिंग क्लासेस के नाम से, तो आप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, चलिए। हाँ, 30 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर। यहाँ पर जो है दिसंबर, अच्छा यही चीज़ गड़बड़ हो गई। अच्छा ठीक है, कमेंट आप कर रहे थे 30 सितंबर यहाँ पर है, ठीक है, 30 सितंबर यहाँ सही कर लीजिएगा, 30 सितंबर 1908, 24 अप्रैल, ठीक है, 30 सितंबर और 24 अप्रैल 1974, ये सही है, ठीक। इतनी बात, सिमरिया मुंगेर 30 सितंबर है, 30 दिसंबर नहीं है, यहाँ पर 30 सितंबर है। अरे यार, यहाँ पर देखो और गलती हो गई, यहाँ पर भी आपको 30 सितंबर लिखना है। क्या है? 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इतनी बात आप क्लियर हो गई आपको। फिर चलते हैं आगे। इनके पिता का नाम रवि सिंह था, और रवि सिंह एक किसान थे। रवि सिंह इनके पिता का नाम था और ये किसान थे। माता का नाम जो था वो क्या था? माता का नाम मनरूप देवी था। और जब भी माता पिता का नाम लिखें तो ब्लैक से लिखें या फिर अंडरलाइन कर दें, ठीक है। इनकी अल्पायु में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। क्या था कि ये जब छोटे थे तभी इनके पिताजी चल बसे थे, तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव की ही पाठशाला में संपन्न हुई। और भैया, समय ये था कि पहले जमाने में कि प्रारंभिक शिक्षा गाँव में होती थी, घर ही में होती थी, इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी जितनी आपको मिल रही हैं। तब यूट्यूब होता तो दिनकर आज 10-50 मिलियन सब्सक्राइबर लिए घूम रहे होते, क्या बताएं, लेकिन वो समय नहीं था, ठीक है। तो गांव में ही पाठशाला में ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, क्योंकि पिताजी चल बसे थे इनके बचपन में ही। फिर आप लिखेंगे कि अपने विद्यार्थी जीवन से ही इन्हें अधिक कष्ट झेलने पड़े, और विद्यालय के लिए घर से पैदल 10 मील रोज जाना पड़ता था। अब आप बताओ कितनी कठिन ज्ञानार्जन इन्होंने कितना कठिन किया था, 10 मील पैदल जाना। अब बताओ आप जो है 100 मीटर आप पैदल नहीं चलते हैं, बहुत कम चलते हैं, है ना, और ये कितना 10 मील पैदल जाते थे अपने घर से पढ़ने के लिए, और रोज आना जाना पड़ता था, इनकी व्यवस्था थी आना जाना। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए किया था। अब जब बीए, अच्छा उस जमाने में जो बीए करते थे वो समझ लो कि प्रिंसिपल के बड़े आदमी हो, प्रिंसिपल से आगे भी पोस्ट पे पहुंचते थे, समझ लो डीएम एसडीएम होते थे। आज भी बीए किए हुए डीएम एसडीएम बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ग्रेजुएशन मांगते हैं, लेकिन उस समय का जो बीए होता था इतना ज्ञानी व्यक्ति हो जाता था बीए करते करते कि बहुत कुछ बन जाता था। तो पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया, पारिवारिक कारणों के कारण ये आगे नहीं बढ़ सके, अतः नौकरी में लग गए। अब भाई जब परिवार का मसला होगा तो नौकरी करेंगे। कुछ दिनों तक इन्होंने प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया तथा ये भागलपुर विश्वविद्यालय में क्या हो गए? उपकुलपति हो गए। इसके बाद क्या हुआ? भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर आसीन हो गए, तो ये उपकुलपति रहे। और बाद में इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय से ही डीलिट होगा, बड़ी डी है, डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। क्या किया गया? पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया, डीलिट की उपाधि भी इनको प्राप्त हुई, ठीक है, और पद्म भूषण, ठीक है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर होता है डीलिट, और पद्म भूषण की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया। अंत में ये एक कवि सम्मेलन में
तिरुपति चले गए थे। कहां गए थे? तिरुपति। वहां रश्मिरथी का पाठ करते हुए 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया था। तिरुपति में गए थे और कवि सम्मेलन में गए थे, और कवि सम्मेलन में कविता सुनाते हुए रश्मिरथी सुनाते थे। रश्मिरथी वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है आगे देखें क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तू आधा दो, इसमें भी ये तुम बाधा दो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से गाएं खाएंगे, परिजन पर असन उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बाधने चला, जो था असाध्य साधने चला। तो ये जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो ये दिनकर की पंक्तियां ये थी, रश्मिरथी सुनाते थे। और इसी बीच उनका क्या हुआ, हृदयाघात रुकने से कुछ कैसा क्या हुआ मसला, इसी तरह देहावसान हो गया 1974 में 24 अप्रैल को। अब बात करते हैं हम इनकी रचनाओं की, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी रचनाएं मुख्यतः आप याद करिएगा, रेणुका है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, रश्मिरथी है, सामधेनी है, और रसवंती है, द्वंद गीत है, इतिहास के आंसू हैं। यहाँ पर कुल 8 रचनाएं ही हमने दी हैं, वैसे बहुत सारी रचनाएं हैं। तो रेणुका, हुंकार, रसमृथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसवंती, द्वंद गीत और इतिहास के आंसू आप याद रखिएगा। तो अब आपको एक बार फिर से हम शॉर्टकट में बता देते हैं, 1908 ईस्वी में होता है जन्म, 1974 ईस्वी में होती है मृत्यु, मनरूप देवी होती हैं इनकी, मनरूप देवी इनकी होती हैं माँ, और पिता होते हैं रवि सिंह। क्या होते हैं? रवि सिंह इनके पिता होते हैं, मनरूप देवी माँ होती हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय में, भागलपुर विश्वविद्यालय में ये क्या बने? कुलपति के पद पर नियुक्त हुए, और पटना विश्वविद्यालय से क्या हुआ? बीए किया इन्होंने, पटना विश्वविद्यालय से बीए किया था इन्होंने, क्या किया था? बीए किया था पटना विश्वविद्यालय से। भागलपुर विश्वविद्यालय में बने थे क्या, क्या बने थे? उपकुलपति बने थे, ठीक है, उपकुलपति बने थे। 1908 में जन्म, 1974 में मृत्यु, सिमरिया, सिमरिया, सिमरिया क्या था? सिमरिया मुंगेर, ठीक है, जनपद, जनपद मुंगेर था, बिहार जो प्रदेश था वहां पर इनका जन्म हुआ था। 10 मील पैदल पढ़ने जाते थे, ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। बीए इन्होंने किया बचपन में ही, इनके पिता का साया इनके सिर से उठ गया, इसके बाद आगे पढ़ाई नहीं कर सके बीए के बाद, तो अब प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिए गए थे। प्रधानाचार्य के बाद ये पटना भागलपुर विश्वविद्यालय से के उपकुलपति बने, फिर राजनीति में भी आए थे, सदस्य भी नियुक्त हुए थे राजनीति में, और इसके बाद धीरे धीरे ये तिरुपति में एक कवि सम्मेलन में गए थे। तो 1974 में 24 अप्रैल को इनका देहावसान रश्मिरथी का पाठ करते हुए हो गया था। उर्वशी, सामधेनी, द्वंद्वगीत, रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र, हुंकार इत्यादि इनकी, द्वंद्वगीत इत्यादि इनकी क्या हैं? इनकी रचनाएं हैं। तो इतनी बात समझ में आए। भाषा शैली हमने बता दी थी आपको, भाषा शैली भी हेडिंग डाल दीजिएगा। भाषा लिखेगा शुद्ध संस्कृत तत्सम शब्दावली से युक्त परिष्कृत परिमार्जित खड़ी बोली है। शैली आपको बता ही दी हमने, विवेचनात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक और समास युक्त शैली इत्यादि तमाम शैलियां इन्होंने प्रयुक्त की हैं, ठीक है। अब आपके मन में कोई सवाल या डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, गौतम जी हैं, मोटिवेशन स्टडी जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, मैप हैं, यश हैं, चलिए ठीक है। और कोई प्रॉब्लम किसी को तो नहीं है? चलिए, ठीक है, तो मिलते हैं हम फिर कल। और ये जो है पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक से।